हेलो दोस्तों, वेलकम बैक बायक्रम जी के दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आप देख रहे हैं बजाज की प्लेटिना 100cc की BS7 फ्लैक्स व्हील वाली बाइक, न्यू 2023 मॉडल। सबसे गजब की बाइक है इसलिए कि ये 100cc के सेगमेंट में सबसे बेहतर, सबसे ज़्यादा एवरेज देने वाली, सबसे सस्ती बाइक है। सामने से अगर आप देखते हैं तो इस तरह से आपको DRL लाइट मिलती है और इस बाइक में विदाउट स्टार्ट के ही लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम दिया गया है। यहाँ से लाइट अगर आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं बिना पेट्रोल खर्च के, बिना इंजन स्टार्ट किए। ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। 35 वाट के हैलोजन बल्ब, DRL लाइट के साथ साथ फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है। और साइड पर अगर आप देखेंगे तो एक नया स्टिकर यहाँ पर आपको मिलेगा। और BS7 वाली आप देख रहे हैं प्लेटिना, यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी बल्ब वाले ही मिल जाएंगे। इस तरह से मैं आपको जला के भी दिखा देता हूँ, यह देखिए। और इसमें मोबाइल चार्जिंग भी आने वाला है, मोबाइल चार्जिंग वाली भी होने वाली है बहुत ही जल्द। इसमें आपको मोबाइल चार्जिंग भी देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ पहले और जानकारी। 130mm का ड्रम ब्रेक, एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ टेलीस्कोपिक कम्फर्टेक साकर रिफ्लेक्टर बजाज की साकर में ही मिल जाएगा। 3017 का ट्यूब वाला टायर मिलेगा, अभी ट्यूबलेस टायर कंपनी ने नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ पर फ्यूल टैंक देखेंगे तो यहाँ पर आपको प्लेटिना की ब्रांडिंग, 9.5 लीटर लगभग 10 लीटर पेट्रोल आ जाएगा इस बाइक में। फ्यूल टैंक का कैप दे सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ करने का सिस्टम, सेल्फ स्टार्टर, हाई लो बीम टर्न सिग्नल हॉर्न और यहाँ पर पासिंग बटन जो कि स्प्लेंडर में भी नहीं है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, स्प्लेंडर प्लस से भी अच्छी है। और यहाँ पर देखेंगे तो पेट्रोल बताएगा, यहाँ पर स्पीड बताएगा, यहाँ पर न्यूट्रल, ये फाई लाइट और इंडिकेटर इस तरह से रहा, पासिंग यहाँ पर मिल जाएगा, ये सारे कंट्रोल्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे पूरा भरा भरा। अब मोबाइल चार्जिंग आएगा तो यहीं पर आपको मिलेगा, इस बाइक में मोबाइल चार्जिंग आने वाला है दोस्तों। मोबाइल चार्जिंग वाली जब हो जाएगी प्लेटिना तो यहाँ पर आपको जैसे 125x में है दिया यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग मिलने वाला है, तो आ जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत बाइक दिखेगी, काफ़ी बढ़िया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरह से इंजन आपको मिलेगा BS7 100cc का, किक और सेल्फ दोनों स्टार्टर, इलेक्ट्रिक कार्बोरेटर के साथ, 4 गियर इस बाइक में मिलेंगे, 70 का माइलेज देगी आराम से ये बाइक। डबल स्पार्क प्लग वाली गाड़ी है दोस्तों, ब्रेक लीवर इस तरह से देख सकते हैं, लेग गार्ड यहाँ पर आपको मिलेगा और यहाँ पर लेग गार्ड दोनों साइड में अलग अलग वाला दे दिया है, देख सकते हैं आप, ये चीज़ काफ़ी बढ़िया है। डबल स्पार्क प्लग और पेट्रोल को ऑन ऑफ मेन रिजर्व चाहे जो आप चाहो कर सकते हो, ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है। 4 गियर लीवर आप दे सकते हैं बजाज की ब्रांडिंग और इस तरह से पूरा इंजन आप दे सकते हो। तो भाई साहब BS7 वाली प्लेटिना आ गई, वो भी मोबाइल चार्जिंग वाली के साथ, तो बहुत ही जल्द मोबाइल चार्जिंग देखने को मिलेगा। बाकी BS7 आ ही गया है, साइड पर आप देखेंगे तो इस तरह से पूरा लुक आपको मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये 100 कम्फर्टेक। आप साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर, फुल चैन कवर फाइबर का, यहाँ पर देख सकते हैं सारी गार्ड फुट टेस्ट बहुत ही प्यारा मिलेगा, स्प्रिंग ऑन स्प्रिंग का सस्पेंशन, सीट जो है काफ़ी बढ़िया लंबी चौड़ी दी गई जो कि लेडीज़ और जेंट्स चाहें 2-3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। पीछे की जो तेल लाइट है ये आपको मिलेगी बल्ब वाली, वो भी 9 वाट के साथ, लुमेक्स कंपनी का यहाँ पर आपको मिलेगा, बजाज यहाँ पर लिखा मिल जाएगा। अब यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया है, ये रहा आपका तेल जो है नंबर प्लेट की पत्ती। आप देखिए अदर बाइकों में स्प्लेंडर में देखा होगा तो आपने इसी पर ही लगता है, वो अगर टूटेगा तो ये पूरा बदलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्लेटिना में अलग से कंपनी ने दिया है कि अगर टूटे तो 25-30 का ही आपका खर्चा आए, ये कंपनी बहुत बढ़िया ध्यान दिया है। बाकी इंडिकेटर काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल है, टूटेगा नहीं। ग्रेविल देख सकते हैं प्लेटिना गाड़ी में इतना बढ़िया दिया है कि कोई भी आराम से बैठ सकता है और पकड़ भी सकता है। और यहाँ पर आपको 100 कम्फर्टेक मिलेगा इस तरह से, नए स्टिकर के साथ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अंदर यहाँ पर देखेंगे तो गाड़ दिया है ताकि धूल कचरा अंदर ना जाने पाए, ये चीज़ काफ़ी बेहतर हुआ है। यहाँ पर देखिए पैर रखेंगे आप तो यहाँ पर भी आपको गाड़ मिल जाता है कि ताकि फाइबर का जो कि पैर जो है आपका जले ना, ये चीज़ है अगर लगे ना। और यहाँ पर आपका ब्रेकिंग सिस्टम देख सकते हो इस तरह से दिया गया है, बिल्कुल नया मॉडल के चेंजेस यहाँ पर किया है कंपनी ने, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा हुआ। इस तरह से आप देख सकते हो इस गाड़ी को पूरा। और पीछे जो है वो 110mm का ड्रम ब्रेक दिया है कंपनी ने, 130 कर देते तो और अच्छा होता। 3017 का ट्यूब वाला टायर, साकर आप देख सकते हैं, साइलेंसर इस तरह से आपको मिलेगा, पूरा पत्ती आप देख सकते हो और साइलेंसर काफ़ी प्यारा है। और इस तरह से डुअल टोन में आपको सीट मिलेगी, मिरर आप देख सकते हैं, इसका शीशा इस तरह से आपको मिलेगा और हैंडल बार देख सकते हैं इसका, क्लच और ब्रेक लीवर, यहाँ पर आपका पासिंग बटन जो मैंने आपको बताया, शीशा काफ़ी नए स्टाइल में आ गया है। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है लगभग आपको पड़ेगी 80,000। और बाकी जो है दोस्तों इसमें जो BS7 आने के बाद 20% आपका माइलेज बढ़ जाएगा, तो ये 20% इथेनॉल वाली चलेगी, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी बाइक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।